हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सेम जगह से मैं व्लॉग कर रही हूँ जहाँ मैंने कल रात में आप लोगों को छोड़ा था। सो अभी हम लोग जा रहे फैंसी, यहाँ है सैदुल, वहाँ आधे लोग एंड आधे लोग जा रहे हैं कैब से और मैं और सैदुल जाएंगे स्कूटी से। सैदुल अभी कैब कर रहा है। सैदुल भी मेरे लिए बहुत कुछ खरीदने वाला, उसने बोला है खरीदने वाला ना। बहुत कुछ खरीदना, देखते हैं क्या क्या खरीदता है। ये हम लोग जा रहे हैं फैंसी, पापा एक्साइटेड है, यहाँ सिया है। बहु माँ बहु हमें बीच में बैठ जाने दो। टाटा। मैंने फैंसी में कौन फल है ये तुम्हारा बाइक? यस, हमारा दुल्हनिया सैदुल का नया बाइक जो बहुत बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखता है, मेरे से भी ज़्यादा प्यार उसको करता है। देखने में लग रहा है 18 साल पुराना। और चला कितना किलोमीटर है? 50,000। यस, सैदुल का तैयारी चल रहा है गुवाहाटी की सड़कों में स्कूटी चलाने की तैयारी, कि उसका बाल ना बिगड़ जाए। ये रॉयल एनफील्ड का हेलमेट, ये एक्टिवा में, ओह माय गॉड। सो गाइज, अब हम निकल गए फैंसी के लिए एंड हम कुछ ही जगह एक्सप्लोर करेंगे फैंसी का, क्योंकि फैंसी एक दिन में एक्सप्लोर करने वाली जगह बिल्कुल भी नहीं है। सो ये है मेरा इलाका गाइज। 2014 में मैं यहाँ आकाश में कोचिंग करने आई थी एंड इस गली के अंदर मेरा हॉस्टल था। ये है मेरा हॉस्टल, वो हमारी बन गई। सैदुल कितना स्वीट है, कभी कभी थोड़ा स्वीट हो जाता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना हॉस्टल देखने, सृष्टि पीजी। ये है एंड वो जो ऊपर सेकंड फ्लोर पे है वो हम लोगों का बैल्कनी है, घर का मतलब रूम का। ये हम लोग का हॉस्टल। सो गाइज, हम लोग फैंसी बाज़ार पहुंच गए हैं एंड जिया यहाँ ऑलरेडी शॉपिंग कर रही है। तो अब हम लोग जाएंगे MS बैग हाउस, जो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ। बट उससे पहले मम्मा लोगों को ज्वेलरी शॉप में घुसना था, तो हम लोग यहाँ से कुछ शॉपिंग किए। तो धूप ज़्यादा होने की वजह से जिया बहुत रो रही थी, तो अभी वो अपने आप को ठंडा कर रही है ठंडा पी के। जिया खाला मम्मा को थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो खाला मम्मा को, थोड़ा सा प्लीज। अभी लोग जाएंगे वहाँ, मोमो भी खाएंगे। गाइज, अगर आप फैंसी आ रहे हो तो यहाँ का वेज चीज़ मोमोज खाना कभी मत भूलना। दे सर्व वन ऑफ द बेस्ट चीज़ मोमोज इन गुवाहाटी। तो ये है MS बैग हाउस, जो है मस्जिद वाले गली का सबसे लास्ट वाला शॉप, जिसमें आपको ढेर सारे कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगे एट अ होल सेल रेट। और यहाँ आपको बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे जिसका प्राइस काफ़ी रीजनेबल होता है। दे ऑल्सो हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ शूज एंड सैंडल्स एट अ होल सेल रेट गाइज। यही अच्छा है, इस बार हम लिए थे लटकाने वाला लिए थे। तो गाइज, हम लोगों ने ढेर सारी शॉपिंग कर ली यहाँ से एंड अब हम यहाँ से बिलिंग करा के निकल रहे हैं। तो गाइज, आप लोग यहाँ से एक ओवरव्यू ले सकते हो कि फैंसी बाजार आखिर दिखता कैसा है। तो बाकी लोग घर के लिए निकल गए एंड मैं और सैदुल घर के लिए कुछ सामान बाकी था, तो हम लोग वो लेके शाम में हम लोग पैंटलून्स के लिए निकले। तुम भी तो आ गए हम लोगों के साथ। तुम मार के ना, तुम पकड़ के मार। ठीक, लिपस्टिक चाहिए किसको, जान जाना लिपस्टिक चाहिए।
लिपस्टिक मिलेगा इधर आओ ना। अरे मामी डांस को जूम के लिए तुम यहाँ। तो गाइस पैंटलून्स में आके ये लोग ये करते हैं। समझे बोलो समझे। सो गाइस वी आर हियर एट पैंटलून्स एंड वी आर हियर फॉर शॉपिंग बट यहाँ कुछ और ही कार्यक्रम चल रहा है। तुम्हें टी शर्ट सलाने नहीं जाओगे? 24 सो गाइज पैंटलून्स में हमारी शॉपिंग हो गई है एंड अब हम जा रहे हैं रिलायंस जो पैंटलून्स के जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। जी नाम क्या है? जी ऐसे मत करो तो इधर को चाहिए लिपी मीन्स लिपस्टिक। हाँ इधर हम लोग खालू का शर्ट चूज करेंगे इधर। तो मैं और जिया यहाँ जिया के खालू का वेट कर रहे हैं। जिया के खालू ट्रायल रूम में है कपड़े ट्राई कर रहे हैं। जिया रो रही है। हम लोग अभी जिया के खालू को देखने जा रहे हैं वो कैसे लग रहे शर्ट में है ना जिया ऐसे करते हैं थम्स अप। अच्छा जिया बता दो तो कैसा लग रहा है खालू का शर्ट? गंदा बोलो गंदा। सो गाइज फाइनली हमारी शॉपिंग कंप्लीट हुई यहाँ। तो हम लोगों को इतना कुछ मिला गिफ्ट। इतना सारा शॉपिंग करके निकल रहे अंदर। हम लोग को भी भूख लग गया है बहुत ज़्यादा। हाय गाइस तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग अभी जाएंगे डिनर करने बट इतना ज़्यादा शॉपिंग हो गया और इतने सारे गिफ्ट्स मिल गए कि अब हम लोगों को वापस घर जाना पड़ेगा और हम लोग स्विगी करेंगे घर से। और यहाँ है मेरे पापा। तो कैसा लगा इतना सारा शॉपिंग इतने सारे गिफ्ट्स मिल गए? बहुत अच्छा फीलिंग है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर। घर जाके हम लोग स्विगी करने वाले हैं। हस्बैंड का शॉपिंग हो गया क्या? थैंक्स टू मी लेकिन हमने जुगाड़ किया।